जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। चलो, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। अब क्रेप साइकिल की बात वाह करते वाह हैं। वाह, क्रेप साइकिल में जब हम बात करते हैं तो देयर इज अ लाइक, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो, क्योंकि अभी तक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके पायरवेट, पायरवेट का ऑक्सीडेशन होके जो है एसिटाइल हुए, अभी तक कहीं पे भी ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था, लेकिन इन द केस ऑफ लिंक रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस आपने शो किया था। यानी पहला कार्बन जो रिमूव हुआ था CO2 के फॉर्म में, यानी जो पहला CO2 निकला था वो लिंक रिएक्शन में निकला। हमने शुरू में एरोबिक एक्सप्रेशन में यही पढ़ा था कि जितने कार्बन ग्लूकोज में हो, अगर 6 कार्बन ग्लूकोज में है तो 6 के 6 बाहर निकले। तो वो जो केस है, अभी तो सिर्फ 2 CO2 निकले हैं और 4 कार्बन अभी एसिटाइल कोए के फॉर्म में है, तो उसमें से जो है चारों CO2 कैसे निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्रेब साइकिल में कैसे ये प्रोसेस है। ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के साथ साथ इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब सारे स्टेप्स रिवर्सिबल नहीं है, उसमें से कुछ स्टेप्स रेट लिमिटिंग होते हैं। साथ में ऑक्सीडेशन जो होता है वो 4 स्टेप्स पे होता है, यानी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट जैसे कि आप NADH को शो करते हैं और साथ में और किसको शो करते हैं, FADH2 को शो करते हैं। तो 4 जो ऑक्सीडेशन होते हैं उनमें से 3 जगहों पे NADH बनता है और एक जगह पे FADH2 बनता है। तो ये 4 स्टेप्स की बात है। अब जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेप्स होते हैं उनमें से 2 ऑक्सीडेशन में डी कार्बोक्सिलेशन भी कपल्ड होता है, यानी कि ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन आपको 2 स्टेप्स पे मिलते हैं, जहां पे CO2 का रिमूवल भी होगा और साथ साथ में NADH का फॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी CO2 रिलीज भी हो रहा है और NADH भी बन रहा है। तो ये जो 2 प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ये 2 स्टेप पे। रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो रेगुलेटेड भी होगा। और मैंने बहुत शुरू में आपको एम्फीबोलिक प्रोसेस भी मेंशन किया था, कैटाबोलिक, एनाबोलिक एज वेल एज एम्फीबोलिक। और एम्फीबोलिक का मतलब कि इसमें कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म जैसी कंडीशंस जो है दोनों पाई जा रही है या दोनों को लिंक कर रहे हैं। एम्फीबोलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस को लिंक कर रहे हैं। याद करिए, एसिटाइल कोए से जो है कई सारी चीजें टूट के आ भी रही हैं और साथ में इसी के कुछ इंटरमीडिएट कई सारी चीजों को बना भी रहे होते हैं, इसलिए सिट्रिक एसिड साइकिल जो है एम्फीबोलिक है। सिट्रिक एसिड साइकिल को ही क्रेब साइकिल या TCA साइकिल भी बोलते हैं, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये चीज होती है। ये एक 8 स्टेप का प्रोसेस है, जैसे ग्लाइकोलिसिस 10 का था, पायरवेट डिहाइड्रोजनेज 3 स्टेप का प्रोसेस था और ये 8 स्टेप का प्रोसेस है। ये यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, जबकि प्रोकैरियोट में जो है साइटोसोल में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होता। तो जो मैंने बताया कि इट इज ऑक्सीडेटिव एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑक्सीडेशन अकर्स एट 3 स्टेप्स, यानी उसमें जो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट के तौर पे ये जो है मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें से NADH 3 जगह पे बनेगा और FADH 1 जगह पे। उस ऑक्सीडेशन में ही 2 जगहों पे डीकार्बोक्सिलेशन भी कपल्ड होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी 2 जगहों पे जो है डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 जो है रिमूव होगा। एंड एक साइकिल में दिस इज प्रोसेस, ये एक रेगुलेटेड एंड हम बोल सकते हैं कि एम्फीबोलिक प्रोसेस है। सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, एक 8 स्टेप प्रोसेस है, यूकैरियोट के मैट्रिक्स में और प्रोकैरियोट के साइटोसोल में जो है परफॉर्म। मूविंग अहेड, अगर हम आगे चले तो कुछ इस तरीके से आपका क्या है, दैट इज द क्रेब साइकिल। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 8 स्टेप प्रोसेस को देखें तो सबसे पहला जो होता है अगर हम देखें तो ये हमारे पास है एसिटाइल ओ एंजाइम ए, ये आया था लिंक रिएक्शन से, एंड इसका एक और बाइंडिंग पार्टनर होता है ऑक्सिलो एसिटेट। तो जिस अगर हम बोले तो दिस एसिटाइल कोए और ऑक्सिलो एसिटेट दे आर गोइंग टू लिंक, ये जो है लिंक होने वाले हैं, इनको लिंक करके एक प्रोडक्ट के तौर पे बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है सिट्रेट, प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज सिट्रेट। अब सिट्रेट जो होता है वो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कैसे, देखिए एसिटाइल कोए जो है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसमें एक तरफ कोएंजाइम में है और 2 कार्बन, एंड साथ में ऑक्सिलो एसिटेट में देखा जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4, इसमें जो है टोटल 4 कार्बन जो है वो आप शो कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज 4 कार्बन मॉलिक्यूल। 4 कार्बन का मॉलिक्यूल जब किसी 2 कार्बन के मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो डेफिनेटली 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा,
इस प्रोसेस के दौरान H2O का इन्वॉल्वमेंट शो किया जाता है, यानी ये एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। और बात भी सही है, कंडेंसेशन ही तो है, सिंथेसिस ही तो हो रही है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ा ही तो जा रहा है, और जब भी दो मॉलिक्यूल को जोड़ा जा रहा है तो कंडेंसेशन हो रहा है, ऑक्सीलो एसिटेट एंड जो है एसिटाइल कोई, और ड्यूरिंग दिस कंडेंसेशन प्रोसेस कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है, बात खत्म, सिट्रेट बन गया 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। सिट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है ई आइसो सिट्रेट में, सिट्रेट जो है कन्वर्ट होता है आइसो सिट्रेट में, एंड द एंजाइम रिक्वायर्ड हियर टू कन्वर्ट दिस आइसो सिट्रेट इसको बोलते हैं एकोनिटीज, एंड ऑक्सिलो एसिटेट को कन्वर्ट करने के लिए सिट्रेट में जो एंजाइम चाहिए वो है सिट्रेट सिंथेज सी एस, और यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है एकोनिटीज। अब पहले स्टेप में सिट्रेट बना, दूसरे स्टेप में जब बात करते हैं तो वो सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज। नाउ आइसोसिट्रेट के बाद देयर इज अ थर्ड स्टेप, जिसमें अभी तक इसमें कहीं पे भी कोई ऑक्सीडेशन कोई डीकार्बोक्सीलेशन नहीं देखा आपने पहले और दूसरे स्टेप। तीसरा स्टेप इज अ इंटरेस्टिंग वन, जहां पे आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है आपके अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट अभी तक आप देखें तो 6 कार्बन सिट्रेट होता है, आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन है, लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन पे हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और डी कार्बोक्सिलेशन के साथ ऑक्सीडेशन भी होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो प्रोसेस वो है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 का रिमूवल भी आप शो करते हैं और साथ में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो NADH का फॉर्मेशन भी शो करते हैं। और जो एंजाइम चाहिए ज्यादातर, जैसा कि आप नाम जानते हैं, एंजाइम का नाम उनके सबस्ट्रेट के ऊपर पड़ा होता है या प्रोडक्ट के ऊपर पड़ा होता है, जैसे अब यहाँ प्रोडक्ट था तो आपने उसको मेंशन किया था सिट्रेट सिंथेज, प्रोडक्ट होता है तो हमेशा उसका क्या हो रहा है बना बन रहा है वो, इसलिए उसको सिंथेज बोल दिया। जब सबस्ट्रेट के ऊपर पे नाम होता है तो सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट आइसोसाइट्रेट था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज, तो जो एंजाइम यहाँ मेंशन करेंगे वो है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। मूविंग अहेड, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब बन जाता है 5 कार्बन का, ये तीसरे स्टेप में इंपॉर्टेंट फिनोमिना हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, NADH का प्रोडक्शन और साथ में CO2 का रिमूवल, और ड्यू टू दिस 6 कार्बन में 5 कार्बन हो गया। अब यही अल्फा कीटो ग्लूटरेट कन्वर्ट होता है आपके को एंजाइम ए, यानी सक्सिनिल को एंजाइम ए। अब सक्सिनिल को एंजाइम ए में जब कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम चाहिए अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम एक्चुअली में अल्फा कीटो ग्लूटरेट को बना नहीं रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी होता, यानी अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पहले और जस्ट उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है यानी NADH भी बनेगा और साथ में CO2 का रिमूवल भी आप शो करोगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान को एंजाइम ए का एडिशन भी होता है, और वही कोएंजाइम में है जो कि एक्चुअली में रिलीज हो रहा था, यहाँ से जो कोएंजाइम रिलीज हुआ था वो वापस से रिसाइक्लिंग हो गया है। अब ये जो कोएंजाइम ए आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, अब इसके बाद ये होता है सक्सिनिल में, सक्सिनिल कोएंजाइम ए अब एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल रह गया, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन से एक CO2 रिलीज हुआ तो 5 कार्बन बचा, अब 5 कार्बन से फिर से CO2 रिलीज हुआ तो 4 कार्बन बचा, तो 4 कार्बन के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम ए अब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, यानी कोएंजाइम ए अगले प्रोसेस में या अगले स्टेप में हट जाता है। लेकिन इस दौरान जो है जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक फिनोमिना होता है एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज SLP, एंड SLP का मतलब है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि डायरेक्ट जो है एक ATP या GTP का फॉर्मेशन आप शो करते हैं, तो ये जो डायरेक्ट आप देख रहे हैं GTP का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, और वो GTP फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ATP में, तो ये जो GTP बना वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना, जिसमें कोई भी NADH FADH2 का इन्वॉल्वमेंट आप शो नहीं करते। देन मूविंग फर्दर, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और फ्यूमरेट भी 4 कार्बन का ही रहेगा, क्योंकि अब ना तो CO2 कहीं पे ऐड हो रहा है ना ही रिमूव हो रहा है, 4 कार्बन आपका सक्सिनेट भी शो करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन आप शो करते, और ये देखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, मतलब सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है, और वो होता है FADH2,
जब फ्यूमरेट बनता है तो FADH2 का सिंथेसिस होता है, देन फ्यूमरेट से कन्वर्ट होता है मैलेट में, और मैलेट जो होता है यहाँ पे एंजाइम होता है फ्यूमरेट फ्यूमरेज, और ये फ्यूमरेज से मैलेट में कन्वर्ट, यहाँ पे कोई फिनोमिना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जिसे बोलते हैं हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन का या जो है फिनोमिना वो, एंड डबल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाता है OH के फॉर्म में, एंड नाउ दिस मैलेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड अगेन इन टू द ऑक्सीडेसिटी बाई द एंजाइम MDH। ये MDH जो है वो MDH नहीं है मसाला वाला, ये MDH है मैलेट डिहाइड्रोजनेज, यानी यहाँ पे जो है NAD प्लस फिर बने NAD प्लस यूज होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा भाई, डिहाइड्रोजनेज है तो क्या बनेगा NADH। तो कुल मिला जुला के 10 स्टेप्स आपने देखा, पहले स्टेप में सिट्रेट सिंथेज सट्रेट को सिंथेसाइज कर रहा था, कोई इन्वॉल्व मतलब बेसिक कोई और मैकेनिज्म नहीं हुआ ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सीलेशन जैसा फिनोमेना। सेकेंड स्टेप में सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, नो स्पेसिफिक फिनोमेना इज देयर, आइसोसिट्रेट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इन टू द अल्फा कीटो ग्लूटरेट, और यहाँ पे काम करता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, एंड देयर देयर इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन, 1 NADH 1 CO2, एंड इन द फोर्थ स्टेप देयर इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सीलेशन अगेन, यानी कि NADH और एफिड जो CO2 उसका फॉर्मेशन होगा, और 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटरेट कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन के सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, एंड देन सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, SLB से बनता है GTP, एंड सक्सिनिल सक्सिनेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का फिनोमिना आप शो करते हैं, ओनली सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस FADH2 का फॉर्मेशन, एंड उसके बाद हाइड्रेशन की वजह से फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, एंड मैलेट का फिर ऑक्सीडेशन होता है और वो बनाता है NADH और ऑक्सीडेसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से साइकिल चलने लगेगी। तो फोर्थ स्टेप, उसके बाद आप फिफ्थ स्टेप में SLP से GTP बना रहे थे, सिक्स स्टेप में FADH2 बना रहे थे, सेवेंथ स्टेप में कुछ नहीं हो रहा था, एंड फिर एट स्टेप में अगेन आप NADH बना रहे थे, एंड पहले स्टेप से ही कहानी चलती। तो इसमें अगर देखोगे तो पहला दूसरा और सातवां अगर ये छोड़ दो तो बाकी के जितने भी प्रोसेस है वो इवेंटफुल प्रोसेस मतलब स्टेप्स है, तीसरे में भी इवेंट हो रहा है, फोर्थ में भी हो रहा है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में भी है, एट्थ में भी है। पहले में NADH, थर्ड में NADH, फोर्थ में NADH, साथ में एट्थ में NADH, तो 3 जगहों पे NADH बन रहा है, और एक जगह पे FADH2 जो बन रहा है वो बन रहा है सिक्स्थ प्रोसेस में, सिक्स्थ स्टेप में, एंड फिफ्थ वाले में SLP की वजह से जो बन रहा है वो है GTP। तो ये है आपका एनर्जी करेंसी जो यहाँ पे बन रहे, 3 NADH, 1 FADH2 और 1 GTP इन वन साइकिल। अब ये साइकिल कितनी बार ऑपरेट होगा, एक बार, दो बार या कितनी बार होगा, फॉर वन दो ग्लूकोज बार दो बार ऑपरेट होगा, क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोए कितने हैं, टू दो टू मोल है, तो तो हमारे पास 1 मोल एसिटाइल कोए को निकालने के लिए जो है ये प्रोसेस हुआ। अच्छा, एक साइकिल में कितने CO2 निकल रहे हैं, अगर देखोगे तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं इसीलिए 2 CO2 निकलेंगे, एक जो है थर्ड में और एक फोर्थ में, तो एक साइकिल में 2 CO2, फिर दूसरी साइकिल में 2 CO2, तो 4 CO2 जो निकलने थे वो निकल गए, यानी जो ग्लूकोज के 6 कार्बन थे 6 के 6 CO2 निकल गए कि नहीं, दो लिंक रिएक्शन में, 4 TCA साइकिल में, इन द टू साइकिल्स, यस और नो? हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यस इसको और भी देख सकते हो, इसमें कभी कभी स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनका क्या प्रॉपर्टी है, सर और स्ट्रक्चर आप यहाँ पे जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, सक्सिनिक, फ्यूमरिक, मैलिक, ऑक्सिलो एसिड। तो ऑक्सिलो एसिटेट का स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ इस फॉर्म में, जिसमें आप देखेंगे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें 4 कार्बन होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, पहले और फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यह ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से, बीच में कीटोन है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में काफी। अगर इसी में सिट्रिक एसिड की बात करिए तो इसमें देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5th, 5th 1 3 4th 4th 5th एंड 6th, हियर। अगर यहाँ पे देखें सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन में से तीसरे कार्बन को जब ऑब्जर्व करते हैं तो तीसरे कार्बन से जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, उसी कार्बन से आपका एक्स्ट्रा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो जुड़ा हुआ है, सेम कार्बन, यानी OH एंड COOH एट द सेम कार्बन। बट वॉट अबाउट
द आइसोसिट्रिक, अगर ये आइसोसिट्रिक होगा तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिया नहीं है लेकिन OH होगा, फिर उसके बाद पहला कार्बन, फिर इस तरीके से शो करेंगे आप, एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड और फिर फोर्थ फिफ्थ, और फिफ्थ पे फिर से आपका कार्बोक्स। अब थर्ड पे OH था लेकिन जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इधर की तरफ सेकेंड पे या फिफ्थ पे आ जाएगा लाइक दिस। तो अगर ऐसे आ गया तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे OH ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम कार्बन पे नहीं है, ये आइसो पोजिशन पे है, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे है। तो आइसो पोजिशन का मतलब OH एंड COH अगर कैसे हो, एडजेसेंट कार्बन पे हो, तो आप ऐसे को बोलेंगे आइसोसिट्रिक एसिड। तो आइसोसिट्रिक और सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि OH और COH के पोजिशन को देखिए। अल्फा कीटो ग्लूटरेट को तो पढ़ना ही नहीं, इसमें तो पांच ही कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और कोई तो कह सकते हैं कि ये है ही नहीं जो पांच कार्बन का हो। सक्सिनिक एसिड और उसके बाद मैलिक एंड फ्यूमरिक एसिड की बात करें तो याद रहे सक्सिनिक से ऑक्सीडो एसिटेट में ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो सक्सिनिक एसिड जो है वो सिर्फ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसमें कोई बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अगर आप ध्यान दें जो फ्लो था वो कैसा था कि साइट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड था, आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटरिक, फिर सक्सिनिक था, सक्सिनिक से जो बन रहा था वो था फ्यूमरिक, और फ्यूमरिक से बन रहा था मैलिक, और मैलिक से बन रहा था ऑक्सिलोएसिटिक। अब ये जो फिनोमिना है तो सक्सिनिक में सिंगल बॉन्ड, वो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और उसको अगर हम हाइड्रेशन के साथ रखें तो वहां क्या हो जाएगा, OH, और OH ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कीटो। तो ये जो है ग्रुप्स अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो कहानी जो है लगभग आपकी क्लियर हो जाएगी। तो जो मैंने बताया कि अगर OH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम पे हो तो सिट्रिक, अगर OH और कार्बोक्सिलिक अपोजिट हो तो आइसोसिट्रेट, अगर जो है पांच कार्बन हो तो अल्फा कीटोग्लूटरेट, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ जाइए बीच में कोई ग्रुप नहीं है तो सक्सिनिक, बीच में डबल बॉन्ड है तो फ्यूमरिक, फ्यूमरिक एसिड, और अगर बीच में OH है तो मैलिक, और बीच में कीटोन है तो ऑक्सिडोसिनेट। बस क्लियर है स्ट्रक्चर। सर, यस सर। सर जब क्या सवाल आइसोसिट्रेट से अल्फा डायरेक्ट पूछा कीटो जाता है? है जी, सर जो स्ट्रक्चर है क्या डायरेक्ट पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर बताओ ऐसे? एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी एग्जाम्पल ABCD करके दे देगा, कहेगा बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सा सब मतलब कौन सा स्ट्रक्चर किस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आया हुआ भी है पहले में। अब इसमें जो है जब आइसोसिट्रेट की बात करते हैं तो आइसोसिट्रेट बेसिक तौर पे यहाँ पे बनता है एक NADH और एक CO2 का जो है आप रिलीज हो करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। उसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूटरेट जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाता है तो वहां पे भी एक NADH और एक CO2 शो करते हैं, और सक्सिनाइल से जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो वहां पे एक GTP का फॉर्मेशन शो करते हैं, सक्सिनिक से जब फ्यूमरेट बनता है तो वहां पे आप एक FADH2 का फॉर्मेशन शो करते हैं, और साथ में जब मैलिक से ऑक्सिलोएसिटेट बनता है तो एक NADH2 NADH का फॉर्मेशन शो करते हैं। यही है पूरी कहानी। तो एक TCA साइकिल में अगर ध्यान दिए तो एक बार जब हो रहा था TCA साइकिल तो मैं जब TCA साइकिल की बात कर रहा था तो इन द केस ऑफ TCA साइकिल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना रहा था, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना रहा था, दो एसिटाइल कोए, और दो एसिटाइल कोए बना रहे थे क्या यहाँ पे सी जो है 4CO2, और TCA साइकिल है तो वो चलती रहेगी, बाहर TCA साइकिल में जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो वन ये जो प्रोसेस हो रहा है ये साइटोसोल में होता है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, इस प्रोसेस को आप ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को आप लिंक रिएक्शन बोलते हैं,
और इस प्रोसेस को आप टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल बोलते हैं। इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेट 2 एटीपी एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेट 2 एनएडीएच। इन द प्रोसेस ऑफ लिंक रिएक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 एनएडीएच एंड द रिलीज ऑफ 2 CO2 मॉलिक्यूल। इन द प्रोसेस ऑफ दिस टीसीए साइकिल 4 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, साथ में 3 NADH, 1 FADH2 एज वेल एज 1 GTP फॉर 1 साइकिल। दिस इज द केस फॉर द 2 साइकिल। ये जो मैंने शो किया है वो 1 साइकिल के लिए शो किया। एज यू नो दैट कि जो है एक एसिटाइल को ए के लिए 1 साइकिल चाहिए, तो 2 एसिटाइल को ए के लिए जो है 2 साइकिल चाहिए। तो 2 साइकिल के लिए अगर आप निकालें तो फॉर द 2 साइकिल यानी फॉर द कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 2 GTP बनेगा, 2 FADH2 बनेगा एंड 6 NADH बनेगा एंड जो है 4 CO2 तो निकलेगा निकलेगा। यहाँ पे 1 साइकिल के लिए 2 CO2 लिखेंगे, नॉट 4 CO2। तो ये फॉर 2 साइकिल है। अब सवाल ये होता है कि इसमें से 2 GTP जो कि क्रेब साइकिल में बना, 2 ATP जो कि ग्लाइकोलिसिस में बना, ये तो डायरेक्टली यूज हो जाएंगे कि अरे हाँ चलो ये तो डायरेक्ट यूज हो जा रहा है, करेंसी है। लेकिन बाकी के जो एनर्जी फॉर्म थे वो स्टोर थे NADH FADH2 के फॉर्म। अगर देखे तो एक ग्लूकोज में 6 कार्बन थे और 6 के 6 CO2 निकल चुके हैं, 2 लिंक रिएक्शन में और 4 जो है वो आपके क्रेब साइकिल में। अब लेकिन सवाल आता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर देखा जाए तो मैंने क्या शो किया था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में जो एनर्जी करेंसी था वो 2 NADH का था, और उसके बाद लिंक रिएक्शन इसमें 2 NADH। एंड व्हाट अबाउट टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल की बात करें तो 6 NADH फॉर 2 साइकिल, 2 FADH2 फॉर 2 साइकिल एंड 2 GTP एंड हियर 2 ATP इन द ग्लाइकोलाइसिस। यही चीज मैंने बताई। अब इसमें ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था, लेकिन बाकी के जो एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है दे हैव टू गो फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। लेकिन जाने से पहले आपको दिमाग में एक बात रखनी पड़ेगी, और वो बात क्या है कि इनसे कितनी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस हो या लिंक रिएक्शन हो या टीसीए, इनसे कितना नेट एटीपी बनेगा, और मैं पहले बता चुका हूं कि 1 NADH अगर एटीसी में जाएगा तो वो बना सकता है आपका 2.5 ATP, और अगर 1 FADH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो वो बनाता है 1.5 ATP। नाउ मूविंग, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो 2 ATP तो डायरेक्ट डायरेक्ट है, 2 NADH से कितने बनेंगे, 1 NADH से 2.5, तो 2 से बनेगा 5 ATP। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में आप 7 ATP शो करते हैं, या टोटल आप शो करेंगे 5 ATP। अब ये 7 और 5 की कहानी क्या है, क्योंकि ये 2 NADH जो बना है वो साइटोसोल में बना। अब साइटोसोल में बना है तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना है, और उसकी वजह से यहाँ पे कुछ लॉस भी आप शो करते हैं विद द शटल, बात करेंगे भी थोड़ी देर में। तो 7 ATP बन सकता है या 5 बनेगा। अब इसके बाद जो है 2 NADH लिंक में था तो 5 ATP वहां बना, और इसके बाद 6 NADH से कितने बनेंगे, तो 15 ATP 6 NADH से एंड 3 ATP FADH2 से, क्योंकि 2 1 से 1.5 है तो 2 से 3 एंड 2 GTP 2 ATP के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे 2 ATP हो जाएगा। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपको 32 ATP आएगा, ना कि 36। अभी भी जो सेट एग्जाम्स होते हैं स्टेट वाइज उसमें जो है लोग 36 ही पूछ रहे हैं, लेकिन याद रहे कि अब जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से नेट ATP 32 बन सकता है, या अगर वहां पे शटल को लॉस हो रहा है तो 2 ATP माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 30 ATP, इसीलिए आपको नेट ATP 30 या 32 ATP बनता है। तो दिस इज योर टीसीए साइकिल। यहां तक आपने देखा कि कैसे जो चीजें हो रही थी और कितनी जो है एनर्जी किस फॉर्म में जा रही थी। अब इनको कहाँ भेजना है,
दैट इज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन उससे पहले एक कहानी आएगी, ये बात समझ में आई ना कितनी एटीपी कब बन रहा है, यस और नो? यस सर। एक कहानी आती जिसको बोलते हैं फेट ऑफ कार्बन। मैंने ग्लाइकोलिसिस में फेट समझा सकता था लेकिन मैं वहां पे समझाया नहीं, रीजन बिंग दैट अब मैं दोनों को लिंक करूंगा कि जो फेट ऑफ कार्बन है वो क्या है, क्योंकि कार्बन का फेट कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आपने ग्लूकोज के इस कार्बन को लेबल किया तो पायरुवेट का कौन सा कार्बन लेबल होगा या कौन सा कार्बन CO2 के फॉर्म में निकलेगा। तो ध्यान रहे कि मैंने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर शो किया और इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप डी ग्लूकोज बोलेंगे, और डी ग्लूकोज मुझे बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कि डी ग्लूकोज क्यों बोल रहे हैं अब, क्योंकि जो सबसे फार्देस्ट OH है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है। मूविंग अहेड की जब हम इसमें चर्चा करें तो नंबरिंग भी की गई है 1 to 6। एल्डिहाइड ग्रुप आप देखेंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने इसको एल्डोज की कैटेगरी में भी बोल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब बेसिक तौर पे जो बॉन्ड टूटता है वो बॉन्ड यहां से टूटता है, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो ग्लूकोज का जो 1 2 3 था और 4 5 6 था उसके बीच वाला बॉन्ड टूटता है, और ये दोनों बॉन्ड टूट के बनाते हैं 2 मोल ऑफ ग्लिसरिल डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरिल डिहाइड में जो है वो 3 कार्बन होते हैं, तो एक्चुअली ये टूटता है तो ये वाला जो कार्बन थर्ड वाला होता है वही बनाता है पहला कार्बन, किसका? आपके एल्डिहाइड का या ग्लिसरल डिहाइड का। तो जब ये टूटेगा तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरल डिहाइड, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, एंड ये टूटेगा तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे जो है वो चलता है। नंबरिंग जो है चेंज कैसे हो रही है वो ध्यान रखें कि ये कुछ इस फॉर्म में जो है नंबरिंग को आप मेंशन करते हैं। फिलहाल के तौर पे जैसा मैंने बताया कि थर्ड एंड फोर्थ वो फर्स्ट कार्बन को जो है वो शो करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं ड्रॉ करूँ तो ये ग्लिसरल डिहाइड है और उस केस में ये फॉस्फेट, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, एक ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट ऐसे बनेगा और एक बनेगा थर्ड सेकेंड एंड वन, ठीक है। अब ये जो फोर्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज है वही फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरल डिहाइड हो जाएगा, जो फिफ्थ कार्बन है वही आपका सेकेंड, एंड जो सिक्स्थ है वही थर्ड। तो यहां पे मेंशन किया जा रहा है कि कौन सा कार्बन किसमें जाएगा, उसका जो है फेट क्या है, उसका जो है डेस्टिनेशन क्या है। तो हियर द थर्ड, वी कैन से द थर्ड और फोर्थ कार्बन ऑफ द ग्लूकोज इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरल। तो ग्लूकोज का तीसरा या चौथा कार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लिसरल। दूसरा और पांचवा कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में, और फर्स्ट एंड सिक्स्थ हो रहा है तीसरे में। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैंने ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन को लेबल कर दिया, अगर हमने ग्लूकोज के सेकेंड कार्बन को लेबल कर दिया तो ग्लिसरल डिहाइड का कौन सा कार्बन लेबल्ड होगा? सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन। अगर मैं ग्लूकोज के फिफ्थ कार्बन को लेबल करूं तो सेकेंड कार्बन। सेकेंड का कार्बन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ग्लिसरल डिहाइड ही कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में, और पायरुवेट में भी 3 कार्बन होते हैं, तो यानी कि जो पायरुवेट का पहला कार्बन है, पायरुवेट का जो दूसरा कार्बन है और पायरुवेट का जो तीसरा कार्बन है, उसका फेट भी ग्लिसरल डिहाइड जैसा ही हो, क्योंकि इसके बाद कोई मॉड्यूलेशन या कोई चेंजेस हो, मतलब होते हैं, ऑक्सीडेशन में होता है लेकिन कार्बन टूटता बिगड़ता तो नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी सिंपली वी कैन से दैट कि जो फर्स्ट कार्बन होगा आपके पायरुवेट का ग्लूकोज के, ये कौन से कार्बन से आया होगा? थर्ड या फोर्थ से। और जो सेकेंड कार्बन होगा पायरुवेट का, ये आया होगा सेकेंड या फिफ्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज से, या थर्ड कार्बन जो होगा वो आया होगा फर्स्ट या सिक्स्थ कार्बन ऑफ ग्लूकोज से। तो अब फिर से बताइए कि अगर मैंने सिक्स्थ कार्बन को लेबल किया तो पायरुवेट का कौन सा कार्बन जो है वो लेबल्ड हो जाएगा? अर्बन थ्री अर्बन थर्ड 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 होगा। अगर मैं फोर्थ कार्बन लेबल करूं तो कार्बन फर्स्ट ओ सॉरी ठीक है फर्स्ट कार्बन। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर, अगर मैंने देखी कि कलर अलग कर करके कि थर्ड को अगर मैंने ऐसे लेबल किया या फोर्थ को ऐसे लेबल किया, तो हमारा फर्स्ट कार्बन वैसे ही लेबल होगा, ये सुनो। अगर मेरा सेकेंड कार्बन ऐसे लेबल्ड है, मतलब अलग, तो जो भी लेबलिंग आप सेकेंड और फिफ्थ की होगी वही क्या होगी? कार्बन 2 की होगी इन द पायरुवेट।
एंड जो लेबलिंग आप शो करेंगे कार्बन वन या कार्बन सिक्स की, वही लेबलिंग होगी कार्बन नंबर थर्ड की बायोमेट। यस और नो? ठीक। अच्छा अब यहीं से एसिटाइल कोए का कॉन्सेप्ट रिलेट करेंगे। किससे? एसिटाइल कोए का कॉन्सेप्ट। अब एसिटाइल कोए में जब फॉर्मेशन होता है पायरुवेट का तो CO2 निकल जाता है। कौन सा CO2 निकलेगा? फर्स्ट फर्स्ट वाला वाला, यानी ये वाला निकल जाएगा। अगर फर्स्ट वन निकलेगा तो बाकी लेबलिंग रह जाएगी एसिटाइल कोए में कि जो है, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि मैंने थर्ड को या फोर्थ को लेबल किया तो उससे पायरुवेट तो लेबल्ड होगा, लेकिन क्या एसिटाइल कोए लेबल्ड होगा? नहीं नहीं होगा। क्यों? सर, क्योंकि कार्बन निकल गया उसका। क्योंकि उसका CO2 निकल चुका है। यस और नो? यस बात समझ में आ रही है सर, ना? तो मैंने जो बोला ये अगर आप समझ गए लेबलिंग का कॉन्सेप्ट तो दैट्स वेल एंड गुड। लेबलिंग में मैंने ये समझाया कि मेरे पास ग्लूकोज के जो है वो 6 कार्बन मैंने शो किए, C1, C2, C3, C4, C5 एज वेल एज C6। ये मैंने ग्लूकोज को मेंशन किया है। जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में तो पायरुवेट के अपने कुछ नंबर्स होंगे, दैट C1, C2 एंड द C3। अगर ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो C1 जो होता है वो थर्ड या फोर्थ वाला होता है, सेकेंड जो होता है सेकेंड या फिफ्थ वाला होता है ग्लूकोज के हिसाब से, और थर्ड वाला जो होता है फर्स्ट या सिक्स्थ वाला। अब अगर मैं एसिटाइल कोए की बात करूं तो यहां से जो है कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ द पायरुवेट वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, एंड देन आपके पास जो बचा रहता है वो कुछ ऐसा होता है कि C1 एज वेल एज C2। और ये जो C1 होता है एक्चुअली में जो अब C1 बन गया किसका, वो बन गया आपके पायरुवेट का, वो C2 हो जाता है। और जो है C3 जो होता है वो आपका यहाँ पे होता है। पायरुवेट के हिसाब से देखा जाए तो C2 है, या ग्लूकोज के हिसाब से देखा जाए तो C2 या C5 है। बोलो समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर, और पायरुवेट के हिसाब से C2 होगा तो वो C1 में हो रहा है। और जो C2 बना है एसिटाइल कोए का वो C2 एक्चुअली में पायरुवेट का कार्बन थर्ड है या ग्लूकोज का कार्बन वन या सिक्स है, यही है। तो अब लेबलिंग जरा यस समझिए। अगर मैंने कार्बन वन को लेबल किया, कार्बन वन को लेबल किया तो कौन सा कार्बन पायरुवेट का लेबल होगा? थर्ड थर्ड वाला। वाला एसिटाइल कोए क्या लेबल्ड होगा? सर, और कौन सा लेबल होगा? कार्बन नंबर टू। सेकेंड अगर मैं कार्बन सिक्स को लेबल करूं तो कौन सा कार्बन लेबल होगा पायरुवेट का? पायरुवेट का जो है कार्बन थर्ड होगा। और एसिटाइल कोए का कौन सा कार्बन लेबल्ड होगा? सेकेंड सेकेंड। सेकेंड जरा सा देखिए कि अगर मैंने C2 को लेबल किया या C5 को लेबल किया तो पायरुवेट का कौन सा कार्बन लेबल होगा? सेकेंड और एसिटाइल कोए का कौन सा होगा? फर्स्ट फर्स्ट वाला। नाउ अगर मैंने लेबल कर दिया C3 को या C4 को तो पायरुवेट का कौन सा कार्बन लेबल होगा? फर्स्ट एसिटाइल कोए का कौन सा कार्बन लेबल होगा? कोई सा नहीं भी होगा। नहीं, कोई सा लेबल। यहां पे अब लेबल मिलेगा क्या? CO2। बोलो समझ में आई बात? आप मेरे क्वेश्चन सुन लीजिए और आप जवाब दीजिए अगर समझ में आ गया। मैंने बोला कि मुझे जो है मैं ग्लूकोज के ऐसे कौन से कार्बन को लेबल करूं कि मेरा CO2 जो रिलीज हो रहा है वो लेबल्ड पता चले कि लिंक रिएक्शन में हो रहा है, थर्ड और थर्ड और फोर्थ फोर्थ को। थर्ड एंड फोर्थ को। ऐसे कौन से कार्बन को लेबल करूंगा जो कि एसिटाइल कोए में मिलेगा ही नहीं? थर्ड थर्ड और एंड फोर्थ को। फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ ऑफ ग्लूकोज। यस और नो? यस ठीक क्लियर। अब यही एसिटाइल कोए कहां सर, जाएगा? यही एसिटाइल कोए कहां जाएगा? टीसीए टीसीए साइकिल। और साइकिल टीसीए साइकिल में साइकिल जो दो CO2 रिलीज हो रहे थे वो यही CO2 होंगे, है ना? यस सर।
नो, ये CO2 रिलीज नहीं होता पहली साइकिल में, ये रिलीज होगा दूसरी साइकिल में। चलिए देखिए कैसे। अब यहां तक आपने समझा, तो अब मैं फेट समझा रहा हूं क्रेब्स साइकिल में कार्बन का फेट कैसे चल रहा है। दिस इज द TCA साइकिल विद द सेम स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस इज द ऑक्सिलो एसिटेट। बीच में यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, तो यू कैन सिंपली से दैट इट इज अ ऑक्सिलो एसिटेट। इफ इट इज एल्कोहल यू कैन से मैलेट, इफ इट इज डबल बॉन्ड यू कैन से इट इज फ्यूमरेट, अगर कुछ नहीं है तो यू कैन से सक्सिनेट है। कोएंजाइम ए के साथ जुड़ा तो यू कैन सक्सिनेट कोएंजाइम बी, 5 कार्बन है तो यू कैन से दैट इट इज अल्फा कीटो ग्लूटरेट। राइट नाउ अब सवाल है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बन को लेबल जो है किया गया, देखिए दोनों कार्बन लेबल्ड, जैसे ही ऑक्सिलो एसिटेट के साथ जुड़ेंगे ये कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बनता है, किसका, सिट्रेट का। मैंने लेबल कार्बन को जो है वो हाईलाइट किया। अब अगर देखे तो जो CO2 का फॉर्म निकलता है, जो CO2 यहाँ पे निकल रहा है वो कौन सा वाला CO2 निकलता है, इफ यू कैन सी यहाँ पे सिट्रेट, फिर उसके बाद सिस एकोनिटेट बना, एंड देन उसके बाद आइसोसिट्रेट, और आइसोसिट्रेट के बाद जरा ऑब्जर्व करें, मे बी मेरे पीछे छुप रहा होगा, लेकिन जो CO2 निकल रहा है वो ये वाला CO2 है, दिख रहा है क्या? अब ये CO2 कहाँ से आया, ये सिट्रेट के खुद का पार्ट है या ये एसिटाइल कोए से आया? आप देखो एसिटाइल कोए वाले ये वाले थे दोनों, ये एसिटाइल कोए का पार्ट नहीं है, यानी ये वाला जो CO2 रिलीज हो रहा है, आप अगर ग्लूकोज के किसी भी कार्बन को लेबल कर दें, ध्यान दीजिए, अगर मैं ग्लूकोज के किसी भी कार्बन को लेबल करता, एसिटाइल कोए भले ही दोनों कार्बन लेबल्ड होता, लेकिन ये CO2 जो निकलेगा फोर्थ स्टेप में, क्या ये स्टेप जो है आपका, या जो CO2 निकल रहा है वो लेबल्ड होगा कि अनलेबल्ड होगा? अनलेबल्ड है, अनलेबल्ड क्योंकि ये अनलेबल्ड है ऑक्सिलो एसिटेट का, या बोल सकते हैं सिट्रेट या आइसोसिट्रेट का जो है आपका CO-। अब नेक्स्ट वाला जरा देखो, नेक्स्ट में भी जो CO2 रिलीज हो रहा है आई ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में, वो ये वाला CO2 रिलीज हो रहा है, दिख रहा है? और अभी भी वो CO2 वही है जो एक्चुअली में एसिटाइल कुएं से आया, वो अभी भी रिलीज नहीं, वो वहीं पे पड़े हुए। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब आप इसको देखेंगे तो पहला जो CO2 निकला वो ध्यान दे, तो ऑक्सिलो एसिटेट से अगर ऑब्जर्व कर पाए तो ऑक्सिलो एसिट, ये जो दोनों COO है ये ऑक्सिलो एसिटेट के दोनों COO है, और ये पहले बार में ये वाला निकलता है CO, फिर उसके बाद दूसरे वाले में ये वाला CO निकल गया, दो बार में वो ऑक्सिलो एसिटेट वाले निकले। तो पहली बार जब आपका एसिटाइल कोए जुड़ा तो उसके दोनों कार्बन अभी भी जुड़े हुए, यू कैन सी, तो ये दोनों कार्बन इस फॉर्म में है, और इस फॉर्म के बाद जो है यहाँ पे एक आपका CO ऐसे बना। अब इसमें अगर हाईलाइट करूंगा तो इसके आगे का हाईलाइट पोजिशन समझ में आ रहा है कि कैसे चलेगा? कार्बन का पोजिशन देखिए, तो दिस वन, जैसे अगर आप ऑब्जर्व करते तो ये तो एसिटाइल कोए का ही था कार्बन, और ये CH2 उसी का था। फर्दर जब जाएंगे तो ये ऐसे फॉर्म चला, एंड नेक्स्ट ये जो है उसी का था मैलेट में, और फिर उसके बाद यही दोनों जो है फिर उसी के फॉर्म आएंगे। तो अगली साइकिल में जाके, इन द नेक्स्ट साइकिल, दिस वन इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। तो जो इनकॉर्पोरेटेड या लेबल्ड CO2 होगा वो पहली साइकिल में नहीं निकलेगा, वो किस साइकिल में निकल रहा है, सेकेंड साइकिल में। सेकेंड साइकिल मतलब अब दूसरा एसिटाइल कोए आएगा, लेकिन उसका एसिटाइल कोए जो होगा वो दोनों कार्बन भी नहीं निकलेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक्चुअली में जो दो CO2 रिलीज होते हैं वो दोनों CO2 किसके होते हैं, ऑक्सिलो एसिटेट के दोनों CO2 होते हैं, एक ये वाला और ये वाला, वो एसिटाइल कोए का दोनों कार्बन नहीं है, ये CO2 के फॉर्म में रिलीज नहीं होता, जो रिलीज हो रहा है वो एक्चुअली में ये है दोनों। बोलो जनाब, यस ठीक है। सर, तो इसीलिए TCA साइकिल का फेट ध्यान रखना, कि कई बार लोग पूछते कि जैसे यहाँ पे फेट का मतलब कौन सा कार्बन ग्लूकोज का पायरुवेट में जा रहा है, कौन सा कार्बन एसिटाइल कोए में जा रहा है, तो एसिटाइल कोए जब TCA साइकिल में जाएगा तो जो CO2 निकलता है वो किसका CO2 निकलता है पहली साइकिल में, तो आप बोलेंगे कि ऑक्सिलो एसिटेट के जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं वही CO2 के फॉर्म में निकलते हैं, और TCA साइकिल में एसिटाइल कोए जिन दो कार्बन के साथ जाता है वो पहली साइकिल के बाद ऑक्सिलो एसिटेट के ही दो कार्बन बन के रहता है, दूसरी साइकिल में जाकर रिलीज होगा। क्लियर है ये चीज? यस सर, यस। यस सर, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल।
अब रेगुलेशन कौन कौन से एंजाइम को कर सकते हैं? क्या मैंने आपको पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज का रेगुलेशन बता दिया था? बोलिए। यस। अब एक सर। एंजाइम है जिसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस, जो कि पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम था, कमिटेड एंजाइम, पहले स्टेप में जो सिट्रेट बना रहा था। सिट्रेट सिंथेस को रेगुलेट किया जाता है नेगेटिवली बाय एटीपी। अगर एटीपी बहुत ज्यादा होगा तो टीसीए साइकिल की जरूरत है ही नहीं बनने के लिए। अगर एनएडीएच बहुत ज्यादा होगा तो भी बनने की जरूरत नहीं। और सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए एक लेटर ऑन प्रोडक्ट है जो कि इसी साइकिल का हिस्सा है, तो वो भी इनिबिट करता है सिट्रेट सिंथेस को। सिमिलरली एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आइसो सिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जहां पे आइसो सिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एक्चुअली में जो काम करता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एल्फा या आइसो सिट्रेट को एल्फा कीटो ग्लूटरेट में। और ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, जहां एटीपी बनता, एनएडीएच बनता है। इसीलिए एटीपी और एनएडीएच नेगेटिव रेगुलेटर है और एडीपी इसका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। एंड दूसरा एंजाइम इसी के जस्ट बाद होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज, और इसका जस्ट प्रोडक्ट सक्सिनिल कोएंजाइम में है, तो इसका वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है। तो ये जो है, आप अगर कभी याद नहीं भी रहे, क्वेश्चन आ भी जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी एंजाइम का नेगेटिव मॉड्यूलेटर या तो उसका इमीडिएट प्रोडक्ट हो सकता है या लेटर ऑन प्रोडक्ट हो सकता है, वो या तो उस पूरे प्रोसेस का जो एंड थिंग है या एंड प्रोडक्ट है वो भी हो सकता है। तो ये सब चीजें अगर ध्यान रहेंगी तो आप नेगेटिव मॉड्यूलेटर को तुरंत पकड़ लोगे। और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर जनरली सबस्ट्रेट्स होते हैं, या वो प्रोडक्ट तो कभी नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होगा तो सबस्ट्रेट होगा, और सबस्ट्रेट के साथ कोई अदर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मॉड्यूलेटर प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैन नॉट बी, अब वो प्रोडक्ट चाहे तो एंड प्रोडक्ट हो, चाहे तो इमीडिएट प्रोडक्ट हो, जस्ट एडजेसेंट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, या कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो, लेकिन होगा तो प्रोडक्ट ही नेगेटिव मॉड्यूलेटर और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर सबस्ट्रेट या तो कोई अदर मॉलिक्यूल्स, लेकिन कैन नॉट बी प्रोडक्ट। क्लियर ये चीज? ठीक यस सर। है। ठीक। नहीं क्या पढ़ रहे हैं आप अभी तक? क्रेब्स साइकिल, ऐसे ही कुछ पढ़ रहे हैं ना? तो सर, ठीक डेफिनेटली है, सर। क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे थे, तो जरा सा देखिए क्रेब्स साइकिल को, होपफुली कि आपको जो है ऑब्जर्व हो पा रहा होगा। तो क्रेब्स साइकिल में कुछ इसी तरीके के फिनोमेना को आप जो है मेंशन करते हैं। अगर आप पाइरूविक एसिड को शो करते हैं, फिर उसके बाद जो है कैसे वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में और वो इन्वॉल्व होता है, तो अगर मैं मेंशन कर, तो वेन एवर यू सी दिस इज द प्रोसेस, इसमें पाइरूविक एसिड जो है पहले डीकार्बोक्सिलेट होता है, फिर एसिटाइल कोए को जोड़ता है, और फिर एनएडीएच बनाता है। और ये स्टेप मैं बता चुका हूँ कि एसिटाइल कोए बना। अब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बन जाता है, और एक पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है यहाँ पे मेंशन हम करते हैं। मूविंग अहेड, इसके बाद जो दूसरा स्टेप आप शो करते हैं वो है सिट्रेट सिंथेस का। सिट्रेट सिंथेस क्या करता है? इन द सिट्रेट सिंथेस, ठीक है, सिट्रेट सिंथेस जो है वो ऑक्सिलो एसिटेट और एसिटाइल कोए को जोड़ के साइट्रिक एसिड बना रहा है। और साइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपके पास जो है दो सी ओ एच और बीच में एक और सी ओ एच रहेगा, छह कार्बन। ठीक। अब सिट्रिक एसिड सिंथेस के बाद दूसरा एंजाइम होता है जो कि हम बोलते हैं एकोनिटेज, और ये सिट्रिक एसिड को कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रिक एसिड में। तो सिट्रिक एसिड में से जो है इस तरीके से देखिए कैसे जो है बॉन्ड निकल रहे हैं, और ये कैसे जो है वो आपका आइसोसिट्रिक जो है बना। तो दिस इज द आइसोसिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, जिसमें ओ एच और सी ओ एच का जो पोजिशन है वो कैसा है, एडजेसेंट कार्बन पे हो। आफ्टर दिस द थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेजेस जो होते हैं वो एनएडी प्लस को यूज करते हैं और एनएडीएच बनाते हैं, और साथ में सीओ टू और एनएडीएच रिलीज हो जाता है लाइक इन दिस मैनर। एंड जो कि सी ओ एच आप शो करते थे बीच में, अब वो रिलीज हो जाएगा, और रिलीज हो जाएगा तो आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनेगा, पांच कार्बन, एक कार्बन निकल चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहां पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम में। देखो कोएंजाइम ए जुड़ रहा है और साथ में एनएडीएच और सीओ टू रिलीज हो जा रहा है। एंजाइम जो होता है अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड या ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेजेस होते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमने शो किया था, सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, और यहाँ पे H2O मिल के जो है कोएंजाइम को रिलीज करता है, और जीटीपी से जो है जीटीपी से जीडीपी से जीटीपी बनता है, और उससे फिर बाद में एटीपी बन जाता है। एंजाइम जो होता है सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेटेजेस होते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस जो हम शो करते हैं वो है सक्सिनिल एसिड डिहाइड्रोजिनेजेस का।
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसमें सक्सिनेट जो है कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, और यहाँ पे जो होता है फ्यूमरेट और बाद में क्या बन जाता है FADH2 एज अ एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल। देन आता है आपका एंजाइम फ्यूमरेज, और फ्यूमरेज क्या करता है, फ्यूमरेट को कन्वर्ट करता है मैलिक एसिड में, और H2O जब देंगे तो फ्यूमरेट से डबल बॉन्ड आ जाता है मैलिक एसिड, OH आ जाता है डबल बॉन्ड से, और फिर उसके बाद आप देखेंगे मैलिक एसिड के बाद देयर इज अ वन अनदर फॉर्म जिसमें ऑक्सीडेशन आप शो करते हैं, मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्सीडोएसिटेट में, और ऑक्सीडेशन है तो NADH का फॉर्मेशन शो करेंगे, और फिर यही ऑक्सीडोएसिटेट अगले साइकिल के लिए चला जाएगा। दिस इज योर TCA साइकिल। क्लियर है जनाब?